हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो देखिए, यहाँ चना है और मूंग है। तो आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप इसकी रेसिपी पूरी शेयर करिएगा। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर चने बॉयल करूँगी, क्योंकि चना जो है 5 से 6 सीटी लगती है पकने के लिए, और मूँग की दाल जो होती है वो जल्दी गल जाती है। तो पहले मैं 5 से 6 सीटी लगा के चना पका लूँगी। जब चने में अच्छे से सीटी आ जाएगी, उसके बाद हम दाल पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारा चना जो है पक चुका है, 5 सीटी आ चुकी है। मैंने धीमी सीटी में पकाया है, धीमी आंच में। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी, और दाल बस 1 से 2 सीटी में ही पक जाएगी। तो नमक डाल करके आपको ये दोनों चीज़ पका लेना है। आपके पास अगर मटरा वाली चाट है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, लोबिया डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जितने भी स्प्राउट्स आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास यही दो चीज़ है, तो मैं इनका ही स्प्राउट्स बना रही हूँ। और ये बस हमें अपनी धीमी गैस में इसको पका लेना है। तो ये देखिए, अभी हमारी जो चना और मूंग है, मतलब स्प्राउट्स हैं, वो अच्छे से, सॉरी स्प्राउट्स नहीं, जो ये दालें हैं, चना है, ये पक चुका है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे वर्मा जी बना रहे हैं, मैं शूट कर रही थी, मैंने कहा चलिए आज अपने हिसाब से आप बनाइए, वो काफ़ी अच्छा बना लेते हैं, इनका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैंने जितना बनाना था वो निकाल लिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग चॉप करके कुछ प्याज डाल देंगे, और ये तो बिल्कुल आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप क्या क्या डालना चाहते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते, आप प्याज मत डालिए। इधर वर्मा जी टमाटर चॉप कर रहे हैं, वो अपने में टमाटर डालेंगे, मैं टमाटर नहीं डलवाऊंगी अपने में। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बनाना, तो बनाना डाल दीजिए, खीरा डाल दीजिए, चीकू डाल लीजिए, फ्रूट्स में आप ये डाल सकते हैं, एप्पल आप चाहें तो एप्पल भी डाल सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ बनाना डाल रहे हैं। एक्चुअली में खीरा है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो चुका है। तो जो भी चीज़ें हैं उनके साथ मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ रेसिपी। तो यहाँ ये देखिए, अब हम लोग चाट मसाला डाल रहे हैं। चाट मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का जूस, और नींबू का क्वांटिटी आपको काफ़ी अच्छी डालनी पड़ेगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। तो अब पहले हम सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है, ये देखिए मैंने इसमें कुछ अनार दाने भी डाल लिए हैं। चलिए मिलती हूँ अब आपको सीधे शाम को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बस अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, मैं करने जा रही हूँ अपने पति देव के पेडीक्योर, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने अपने पैरों में कर लिया है पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और इधर वर्मा जी आ गए हैं ये पानी लेकर के, तो अभी हमारा पेडीक्योर स्टार्ट होने वाला है। नहीं, इधर साफ आएगा, इधर से रोशनी अच्छी आएगी। तो चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ एल्फ गुडनेस का पेडीक्योर किट, जो मैंने आपको दिखाया था पर्पल हॉल में, उसी का ही। हाँ, तो ये है इसका फर्स्ट स्टेप। तो चलिए डालते हैं इसमें, गरम पानी कर लिया है, लिप वार्म वाटर है, जितना कि आपसे सहन हो जाए। और एक पैकेट में 2 लोग आराम से कर लेंगे, तो मैंने कर लिया है, बाकी जितना बचा है वो सब वर्मा जी के होने जा रहा है। तो यहाँ मैंने लिया है एल्प्स गुडनेस का सी सॉल्ट पेडीक्योर किट। तो सबसे पहले हम लोगों ने पैर को यहाँ पे सोक कर लिया है। स्टेप आपका बस इतना है कि आपको अपने पैरों को डिप करके रखना है, जिससे कि आपका जितना मैल है वो सोक करेगा, फूलेगा, और उसके बाद भी क्लीनिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो है, क्या है, क्यूटिकल क्रीम है। तो इससे अभी कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक पैर निकालो आप,
वहीं से सूखने लगे। तो इसका जो क्रीम है वो एकदम क्रीमी है, क्यूटिकल क्रीम। टाइम लेते क्या करना पूछ के तो आज वर्मा जी की सेवा भाव। ये क्यूटिकल क्रीम है, इसको हमें अपने नेल्स पे ऐसे करके लगाना है और अपने नेल्स को साफ करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपने क्यूटिकल को क्लीन भी कर सकते हैं, आपके पास पेडिक्योर किट हो तो। वो मैं नेल कटर से ही कर देती हूँ, क्यूटिकल ये होता है। हाँ तो आज आपको कैसा लग रहा है अपनी सेवा कराते हुए? मजा आ रहा है। लीजिए इसको, मुझे भी जोड़ के दूसरे हाथ में लीजिए। अब क्यूटिकल क्रीम जो है वो लग चुकी है और अब जो इसका थर्ड स्टेप है वो है स्क्रब। तो अब हमें स्क्रब करना होगा, तो आप मेरे हाथ में दे दीजिए। आप चाहें तो पोंछ सकते हैं, वाइप ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड तो यहाँ पे अब थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड स्टेप है स्क्रब का और फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो चुका, आपने देख ही लिया है। तो मैं यहाँ पे वर्मा जी से बात कर रही थी कि थर्ड स्टेप कैसे करना है, वो बोल रहे थे कि इसको पोंछना है क्या सेकंड स्टेप को, तो क्यूटिकल वाली क्रीम जो है, तो वही हम लोग यहाँ पे बातें भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ वर्मा जी का कोई कॉल आ गया था तो वो बातें भी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आप बात करते रहो, मैं फटाफट अपना काम करती रहूँगी। तो आज पति पत्नी मिलकर के यहाँ पे पेडिक्योर कर रहे हैं। मैंने कहा चलो बढ़िया है, मेरा तो हो ही गया है, अब बच रहा था तो वर्मा जी का भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं स्क्रब कर रही हूँ बहुत अच्छे से और वर्मा जी मेरे से यहाँ पे कुछ बात भी करते जा रहे हैं। हम दोनों यहाँ बातें कर रहे हैं और पीहू अभी सो रही है, अभी वो आ जाएगी बीच में। अभी देखिएगा आपको पीहू भी दिखाई देगी। और आज मैंने आप लोग के कहने पर स्प्राउट्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और कल वाले व्लॉग में आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि दी मैं इग्नोर करूं, मैं वाकई सबके ऐसे कमेंट्स को इग्नोर ही करती हूं। मैं बिल्कुल भी निगेटिविटी को अपने चैनल पर रखना ही नहीं चाहती हूं, बट कभी कभी होता है ना, हर्ट करता ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं अच्छी लगती सुनने में, इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूं। क्योंकि वो जो कमेंट है वो मैं डिलीट कर देती हूं, तो आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ आया है, बट आप लोग के कमेंट आए इतने अच्छे अच्छे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ मैं पीहू से बातें कर रही हूँ, वो फ़ोन के पीछे बैठी हुई है और मैं उससे बोल रही थी कि तुम अच्छा हुआ आ गई हो, क्योंकि मुझे ऑन ऑफ़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी फ़ोन को। तो वही वो फ़ोन के पीछे बैठी है, मतलब कैमरे के पीछे, और जब मैं बोलती हूँ ऑन करो तो वो ऑन कर देती है। और यहाँ देखिए वर्मा जी को कितने मज़े आ रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए मसाज करवा रहे हैं और उनको हंसी, हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक भी कर रहे हैं, पीहू से बातें चल रही हैं।
देते हैं। हो गई है मसाजिंग भी, हो गई है मसाज। और अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो है मास्क लगाने का। ये मड मास्क है और मैंने पांचों स्टेप जो हैं वो कर दिए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट लग रहा है। मतलब मेरे हाथ भी सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने अपने पैरों में भी किया है तो वो अच्छा है, लग रहा है। और बस अभी मास्क जो है, मतलब मड मास्क, वो वर्मा जी के मैंने लगा दिया है। तो अभी इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा सूखने के लिए। चलिए सूख जाने देते हैं और फिर जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। और पीहू भी सो के उठ गई है, शाम हो गया है, अभी हो रही 4:45 हो रहे हैं। तो फिर चाय वाय बनाते हैं, आज चाय में थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए चाय बनाती हूँ, पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट कैसा है, वर्मा जी को कैसा लगा। तो हमारी ग्रीन टी जो है वो बन के तैयार हो गई है और वर्मा जी का अभी पैर जो है वो सूख रहा है, वो बैठे हुए हैं अभी अपनी जगह पे ही। पूछते हैं अभी जब चाय वाय पी लेंगे तो फिर बात करते हैं वर्मा जी से। क्यों वर्मा जी, कैसा लग रहा है? अरे मजा आ रहा है। अभी तो आवाज नहीं आएगी आपकी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बुलबुल ने कर दिया भाई पैडी का और मजा आ गया। अभी तो बस मास्क सूख जाए तब तक हम लोग चाय पी लेंगे और फिर उसके बाद वॉश करेंगे। सभी हम लोग ने चाय वाय पी ली है और पेडिक्योर भी हो गया है। अच्छा लग रहा है मुझे इसका किट, अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए अभी ये ब्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं कुछ और शूट करती हूँ तो उसको नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड करूंगी। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।